तो यहाँ बन रहा है जस्टिन का बाइक का पंचर। तो आता क्या तुमसे अगर नहीं होता तो? ए उठो मरा हुआ इंसान। तो ऑलरेडी हो चुके हैं लेट और अभी हम लोग सीधा मिलते हैं चार्ली और हीरोक से। उसके बाद मैं आपको पूरा कहानी बताता हूँ आज का। तो निकलते हैं सबसे पहले। तो ये हो चुकी है अपनी गाड़ी तैयार, यहाँ पे इंसान तैयार। तो घर से निकलते हुए जय श्री राम, हर हर महादेव। सो गाइस, बहुत दिनों बाद फाइनली अपना ड्रीम ट्रिप स्टार्ट हो चुका है। और आपको पता है कि हम लोग जा रहे हैं इस बार नेपाल, मतलब इंडिया टू नेपाल बाइक राइड होने वाला है और जो कि स्टार्ट भी हो चुकी है। और आगे मेरे जस्टिन, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी हैप्पी है और आगे जाके और ही मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोग जुड़ने वाले हैं हमारे दोस्त चार्ली एंड हीरोक से। और ये सुबह सुबह जो ये माहौल होता है ना, मतलब आपका पूरा प्रिपेयर होकर पूरा निकलने का, इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन जब प्रिपेयर हो जाते हैं तो उसके बाद एक अलग ही मतलब फील होता है वो राइड करने का। और गाइस एक और बात, ये मेरा फर्स्ट टाइम मोटो व्लॉगिंग है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और इस ट्रिप के लिए स्पेशली कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन है कि ये नेपाल का ट्रिप स्पेशली बाइक राइड हो रहा है तो हर दिन का वीडियो जहाँ तक हो सके मैं डाल सकूँ और रास्ते में जो भी होता है, जितने भी कहानी होते हैं तो मैं आपको दिखाऊँ एंड बताऊँ। तो इसलिए इस बार मैंने सोचा है कि मोटो व्लॉग करते हैं। लेकिन हाँ, हर बार तो मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करूँगा लेकिन इस बार मैं कर रहा हूँ। और हाँ, स्पेशली बाइक ट्रिप में तो मोटो व्लॉगिंग बनता है, आपको पता ही है वो चीज़। और इस बार शायद सिनेमेटोग्राफी थोड़ा कम होगा, शायद बहुत ज़्यादा ही चांस है क्योंकि मैं पर डे वीडियो अपलोड करूँगा तो उतना टाइम तो मिलेगा नहीं। शाम को रात को होटल पहुँचो, होटल पहुँच के फिर वीडियो एडिट करो, अपलोड करो, तो उसमें सिनेमेटोग्राफी और उस तरीके से जो मैं एडिट करता हूँ तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए इस बार जो होने वाला है थोड़ा रॉ होने वाला है, बट ये भी मज़ेदार होगा क्योंकि बहुत सारा फन होने वाला है दोस्तों के साथ रास्तों पे। तो ये भाई साहब हर तरह का इस बार भी लेट, और भाई स्पेशली आए हैं मुंबई से। तो भाई स्पेशली आए हैं मुंबई से एक साल बाद सिर्फ ये ट्रिप के लिए। तो भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं भूटान। सच बोल रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं नेपाल। तो नेपाल जा रहे हैं एंड चार्ली हमारे ग्रुप में। और ये बंदा को तो हर बार, मतलब जब भी हम लोग जाने को निकले, ये कैसे ना कैसे इसको मालूम चल जाएगा और ये बाइक लेके सीधा सुबह मेरा घर के नीचे सीधा। बस अपने पैसे दे के जाना बस और बाइक भी। तो हाँ, यहाँ पे चार्ली ऐड हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं हीरोक को रिसीव करने के लिए और उसको रिसीव करके सीधा निकल जाएंगे अपने मंजिल के लिए। और उसके बाद तो रास्ते में होगा बहुत सारा कांड नौटंकी, क्या बोलते हैं? यस, जय माता दी। तो अभी हम गुवाहाटी सिटी को छोड़ते हुए आगे निकल रहे हैं और ये है सरायघाट ब्रिज। तो ये वाला जो ब्रिज देख रहे हैं सरायघाट का, ये पुराना ब्रिज है और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये नया बना हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे है ये ब्रह्मपुत्र नद। तो अभी हम लोग निकल ही रहे थे लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कांड हो चुका है सुबह सुबह। और कांड क्या हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको। तो हो चुका है जस्टिन का बाइक पंचर यहाँ पे। आगे जाके किसको लेके आना पड़ेगा, ट्यूब निकालना पड़ेगा, नहीं ट्यूब फट जाएगा। तो यहाँ बन रहा है जस्टिन का बाइक का पंचर एंड हेयर आर द फेसेस, हैप्पी फेसेस। हेड में ऐसा छोटा मोटा बात होता है। तो जस्टिन का बाइक हो चुका है ठीक, मतलब जो टायर पंचर हुआ था वो अब ठीक हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं हीरोक को रिसीव करने के लिए। तो ये आ चुका है अपना हीरोक भाई। लेट्स गो फॉर नेपाल ट्रिप। तो हीरोक आ चुका है और हीरोक एक्साइटेड कि नहीं इस ट्रिप के लिए? डैम एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप।
Let's go. तो अब जो ये मीटअप है ये टोटली कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम सीधा निकलने वाले हैं अपने ट्रिप के लिए। और अभी हम लोग निकल चुके हैं गुवाहाटी के आउटसाइड से, और ये जो जगह है इसे सांगसरी बोला जाता है, मतलब ये असम पे गिरता है आपका सांगसरी। तो अभी हम लोग सांगसरी से निकल रहे हैं और आगे जाके अपना टारगेट है नौलबाड़ी या बरपेटा कहीं पे ब्रेकफास्ट करने का, और ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग नॉन स्टॉप राइड करेंगे एक ही बार 2-3 बजे तक, लंच करने के टाइम तक कम से कम, क्योंकि अपने आप को लगने वाला है 10 घंटा। और अपना डेस्टिनेशन है आज सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी यहाँ से लगभग है 450 किलोमीटर, मतलब 450। तो मैप में तो आपका लगभग 10 घंटा दिखा रहा है, तो अभी देखते हैं क्योंकि रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, बिना रेस्ट लिए तो हम लोग चलाएंगे नहीं, आराम से जाना है। मतलब ट्रिप को एंजॉय करके जाना, ऐसा नहीं कि मतलब हड़बड़ी में जाना है, ऐसा नहीं, हम लोग आराम से जाएंगे। तो अभी निकलते हैं और आप बस वीडियो को देखते रहो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो यहाँ पे दही ऑर्डर कर दिया है और दही खा के निकलते हैं। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं, और अभी जो हम लोग निकले हैं इस जगह का नाम है आपका नलबाड़ी। तो नलबाड़ी से अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करके। ब्रेकफास्ट तो काफ़ी बढ़िया था, और अभी अपना रुकने का प्लान तो है नहीं, तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर राइड करके हम लोग रुकेंगे। तो अगला स्टॉप अपना होना चाहिए बोंगाईगांव। तो राइड के टाइम क्या होता है ना, मतलब ये जो रास्ते हैं तो रास्तों पे आप पीसफुली राइड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको फोकस रास्ते पे ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो जैसे तैसे पार कर देते हैं, मतलब जैसे तैसे रास्ते से उस पार हो जाते हैं, इवन गाड़ी भी, तो वो सब थोड़ा सा ध्यान दे के चलाना पड़ता है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं नेपाल में बाइक राइडिंग क्यों कर रहा हूँ, तो ये एक मेरा ड्रीम था। और ऐसा नहीं कि मुझे गाड़ी में जाना पसंद नहीं है, बट गाड़ी या फ्लाइट वगैरह से ज़्यादा, ट्रेन वगैरह से ज़्यादा मेरा फेवरेट है मुझे बाइक चलाना। तो ये बाइक जो है ये कहीं ना कहीं मतलब एक फेवरेट है, एक ड्रीम होता है ना हर किसी का, किसी को कार पसंद है, किसी को बाइक पसंद है, तो वही मुझे बाइक से जाना ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए ये प्लानिंग मैंने बाइक से किया, और बाइक से नज़ारे का मज़ा लेके जाना एक अलग ही फील है, तो वही इसलिए बाइक चूज़ किया। और कहीं ना कहीं बाइक लेने का रीज़न ये भी था कि मुझे लाइक लद्दाख, तवांग, नेपाल इस तरह की जगह पे जाना था खुद का बाइक से, तो वो भी एक ड्रीम था मेरा। तो अभी वही जा तो रहा हूँ, तवांग तो जाकर आ गया, अभी ये जा रहा हूँ, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बस आपका सपोर्ट होना चाहिए और आपका दुआ, बाकी हम तो राइड करेंगे यार, आपको नज़ारे भी दिखाएंगे बेहतरीन, चाहे वो रास्ते के हो या मंजिल के। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोंगाईगांव, और यहाँ पे एक छोटा सा मतलब रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, सामने गन्ना का जूस है तो गन्ना का जूस वगैरह पियेंगे, शुगर केन पियेंगे, और पी के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। नींबू पानी ले लो। দোস্তকার পড়ি গলছুন यार। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार आज, बहुत ज़्यादा मतलब। तो कहीं पे जब रुकते हैं थोड़ा भी देर के लिए तब तो अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म लग जाता है मतलब ऐसा।
और बिना कुछ पिए मतलब रह नहीं सकते, ऐसा गर्मी है। बट राइड के समय तो कुछ फील नहीं होता, राइड के समय तो मजा आ रहा है। तो जी हाँ, हम एंटर कर चुके हैं वेस्ट बंगाल में और अभी हम लोग हैं अलीपुरद्वार में और अभी का टाइम हो रहा है लगभग 2 बज चुके हैं। तो हमारा लगभग 200 किलोमीटर का राइड भी कंप्लीट हुआ और अभी अपना प्लानिंग तो कुछ खाने को है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई अच्छा होटल या रेस्टोरेंट मिलने से हम लोग कुछ खा लेंगे, मतलब जो दिन का लंच है वो करेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हम लोग अलीपुरद्वार के इस रेस्टोरेंट में मतलब इस ढाबा में खाने को रुके हुए, ये अपना बाइक पार्क है। तो कहीं पे भी जाए अपनी बदतमीजी नहीं भूलते ये लोग। अकेला आशिक ये बेटा भी कहते ना इसका नीचे अकेला आशिक। लंच के लिए मैंने वेज थाली ऑर्डर किया है और इन लोगों ने क्या ऑर्डर किया मुझे नहीं पता। तो ढाबा से जो व्यू है आप देख सकते हो इधर बेहतरीन, ये खेत वगैरह। तो इधर मैंने ऑर्डर कर दिया वेज थाली वेस्ट बंगाल में, बहुत ही बेहतरीन देख के तो लग रहा है। तो अभी हम लोग का लंच हो चुका है और ये रेस्टोरेंट, तो खाना काफ़ी टेस्टी था और अभी निकल रहे हम आगे के लिए। तो यहाँ से सिलीगुड़ी लगभग आपका 163 ऐसा करीब होगा। तो नलबारी के बाद जो रास्ता मिलता है वो एकदम बढ़िया मक्खन रास्ता, एकदम मक्खन रास्ता, मतलब अभी तो हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं लेकिन वो कोकराझार एरिया उधर पे जितना भी उसे मतलब बरपेटा क्रॉस करके जो आपका रास्ता मिलता है वो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल। उससे पहले भी अच्छा ही रास्ता था बट उसके बाद का रास्ता पूरा नेक्स्ट लेवल। तो एक्सपीरियंस राइड का मतलब अभी तक आज का मजा रहा। तो आता क्यों तुमसे अगर नहीं होता तो घूमना? काफी खूबसूरत चाय बगान, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, एक नंबर व्यू आप देख सकते हो ऊपर, यार नजारा देखो। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी और रात के बज रहे हैं लगभग 9, तो 9 बज रहे हैं, सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं। हाँ काफ़ी टाइम लग गया हमें क्योंकि हम लोग काफ़ी आराम से आ रहे थे, तो सुबह को हम लोग निकले थे घर से 5 बजे बट रास्ता में टायर पंक्चर हुआ, फिर बहुत हम लोग ने आराम से रेस्ट लेकर आए, खा पी के बहुत बढ़िया से आए जिसका वैसे अभी 9 बज रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल ढूंढने के लिए और आपसे होटल में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी, और रात को मैं वीडियो फिर नहीं बनाया होटल पहुंचने के बाद क्योंकि बहुत टायर्ड हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड मतलब एकदम, तो इसलिए आके डायरेक्ट डिनर किया और सो गए मतलब। तो अभी सुबह उठे हम लोग और टाइम बज रहा है लगभग 9, तो आज थोड़ा आराम से निकलेंगे मतलब, इसलिए हम लोग लेट तक सो गए क्योंकि कल हम लोग गुवाहाटी से निकले सुबह 5 बजे, मतलब 5 बजे अगर निकलना है तो हम लोग उठना पड़ा था हमें 3-4 बजे, तो इसलिए हम लोग आपका रात को 9 बजे ऐसा करीब पहुंचे होटल। तो अभी उठे हैं और फ्रेश होके अपना आज से होगा नेपाल मतलब D2 का राइड स्टार्ट। D1 का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना कि मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग है। ये नींद में बोल रहा है, मोहांशु बोले।